हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी? आप सभी साथियों के बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं कि सर बताइए आखिर हमारे क्वेश्चन आप क्यों नहीं बताते हो। तो बिल्कुल आपको नाराज नहीं होना है, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। ये 1/3 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। बहुत से तमाम बच्चों ने कमेंट किए थे, ये बहुत पुराना कमेंट है, इस वजह से मैं आपको इसको पहले बता रहा हूँ। तो चलो आगे लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन है। आपको हमारे स्क्रीन पे बने रहना है, कहीं जाना नहीं है, ठीक है? देखो थोड़ा सा स्क्रीन आपकी हटेगी तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे बच्चे कमेंट करते हैं, आप लोग कैसे कमेंट करते हो। देखो यहाँ पे साइड में आप यहाँ पर देख पा रहे हो बाबू 5/ ये क्या लिखा है, देखो 15/5 और 20/5 में से 6 परिमेय संख्या निकालिए। इसके बीच में महेंद्र चौधरी ने पूछा है, इसी तरह से देखो यहाँ पर नीचे उमेश महतो ने भी पूछा है, और इस तरह से हजारों बच्चों के कमेंट्स आते हैं। कुछ कमेंट मैंने वैसे लिए हैं जिनको मैंने रिप्लाई नहीं किया है, तो बिल्कुल नज़रें गड़ा के रखो, मैं सारे सवालों का यहाँ पर जवाब देने वाला हूँ। अगर आप नीचे जाओ तो इस तरह से इसमें हजारों कमेंट्स आए हुए हैं, बच्चों के बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर बताइए हमारे सवालों को बताइए। आप जाना नहीं कहीं, हमारे साथ बने रहना, इस तरह से हम आपका सारा सवाल करवाने वाले हैं। साथियों उसके पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे देखो ये रेड कलर पे क्लिक करो, फट से सब्सक्राइब हो जाएगा। बगल में घंटी पे टच करना, आपके मोबाइल में भी ऐसे आएगा। ऊपर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना, जिससे कि आपको हमारी फ्री क्लासेस सारी मिलती रहें और आप घर बैठे सीखते रहें और पढ़ाई करते रहें। तो चलिए फिर बिल्कुल देर ना करते हुए हम आ गए आपके सवाल लेकर के, आपके सामने दिखवा पा रहा है क्वेश्चन क्या लिखा है। 1/3 एंड 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या बताइए। तो भाई फटाफट आ जाओ, बिल्कुल दिल खोल के आ जाओ, टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट फ्रैक्शन को आप लिख लोगे प्यार से। हाँ, इसको लिख लिया, अब क्या करोगे बच्चों, अब क्या करोगे प्यारे साथियों, अब दूसरा फ्रैक्शन इसके नीचे लिख लोगे, ये लिख लिया। अब इसका देखोगे क्या इसके हर बराबर हैं, नहीं, इसमें 3 है, इसमें 5 है। अंश और हर की कहानी कुछ ऐसे होती है, जो गिनती ऊपर होती उसको हिंदी में हर बोलते हैं, नहीं, हिंदी में अंश बोलते हैं, जो नीचे होती उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में हर बोलते हैं। इंग्लिश में बच्चा इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डेनोमिनेटर बोलते हैं। ये है आपका बेसिक फंडा, आ जाओ यहाँ, इनके हर बराबर नहीं ना, तो हम क्या करेंगे, इनके पड़ोसी से सहयोग लेंगे, पड़ोसन से नहीं, नहीं खतरनाक हो जाएगा। देखो समझो 1/3 है ना, इसका हर 5 है, तो इसका 5 पकड़ेंगे और 5 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, मतलब समझे, इसके पड़ोसी से सहयोग लिए, इसमें क्या किए, ऊपर नीचे गुणा किए, तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा बच्चे 15। और अगर ये उसको सहयोग दिए तो वो काहे ना देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इनका 3 पकड़ेंगे और इनसे ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो बच्चे ये हो जाएंगे 12 और ये हो जाएंगे 15, ठीक है? अब यहाँ पर आप समझो और प्यार से समझो, ठीक है? इतना हो गया, हमें क्या करना था, हमें निकालना था 5 परिमेय संख्या किसके किसके बीच में, भाई साहब 1/3 व 4/5 के बीच में। तो अगर यहाँ पर एक चीज़ आप समझो, तो ये 5/15 और दो ये 12/15, ये दोनों क्या हैं, अलग हैं क्या, नहीं, ये 4/5 से ही पैदा हुआ है 12/15। अरे वैसे जैसे हम लोग के पापा हैं उनसे हम लोग पैदा हुए ना, तो हम लोग भी क्या हैं, उसी खानदान के, उसी फैमिली के हैं ना, तो वैसे ये भी अलग नहीं है। अब हमें क्या करना है, नीचे हमें लिखना है, अब क्या लिखोगे, अतः 5/15 व 12/15 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, कितनी, 5 परिमेय संख्याएं। एक चीज़ यहाँ प्लस पॉइंट है, हमें सिर्फ और सिर्फ हर बराबर करने के बाद ही सब मिल गया, बाकी और कुछ नहीं करना पड़ा। कैसे देखो वो कैसे, तो बच्चों इधर जगह मुझे कम लग रही थी, इधर साइड हम कर सकते हैं, यहाँ पर इतना लिखने के बाद नीचे आप अगर जगह है तो कर लो, यहाँ भी कर सकते हैं जगह है। चलो ये 5/15 है, और बच्चों अगला क्या है बाबू, ये है 12/15। जिनको ना समझ में आएगा अभी रुके रहना, उनके लिए मैं कुछ अलग से बताऊँगा स्पेशली। तो 5 के बाद क्या आता है साथी, 5 के बाद आता है भाई 6 आता है, तो 6/15, फिर 7 आता है 7/15, 8 आता है 8/15, 9 आता है 9/15, फिर 10, ये तो तुम जानते हो, इसमें तो कुछ बताना है नहीं, लिखना हमें 5 था, हमने लिख दिया 6, तो इसमें कोई अपच तो हुई नहीं। जिनको ज़्यादा गड़बड़ लग रहा है एक टी मिटा दो। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, नीचे सब में 15 लिखा 15, कुछ बच्चे क्या करेंगे, कन्फ्यूज होंगे कि सर जी हमारी तो किताब से उत्तर नहीं मिल रहा है। तो बच्चों देखो इसको लगाने का कई तरीका है, और ये परिमेय वाला ही एक सवाल है मैथ में, जिसमें अलग अलग तरीके से करने पर या फिर आपके अलग अलग सवाल मतलब आंसर आते हैं। बाकी मैथ में चाहे जो तरीका लगाओ, किसी भी तरीके से लगाओ, उत्तर एक ही आता है।
लेकिन ये तरह का सवाल परिमेय के बीच परिमेय संख्या का सवाल का उत्तर अलग अलग आता है। ऐसा क्यों आता है? क्योंकि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं होती हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं होती है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक और सौ के बीच में दस संख्या बताओ, वन और हंड्रेड के बीच में दस संख्या बताओ, तो आप कोई भी दस संख्या बता सकते हो ना। वन और हंड्रेड के बीच में आपकी 98 संख्याएं हैं ना, तो भाई 98 से आपको 10 तो बताना है ना। कोई 10 से 20 तक बता दिया, कोई 21 से 31 तक बता दिया, हाँ, तो उत्तर अलग अलग इस वजह से हो जाते हैं। तो आपका ये आंसर हो गया, आप इसे नोट कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है दिल में इस तरह का, आप भी सवाल पूछना चाहते हो, तो फट से कमेंट करके बताओ, मैं उसे ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, एक तरह का और भी सवाल आता है जो ऐसे नहीं बनता डायरेक्ट, वो भी बता दूँ क्या? हाँ, आप कहो तो मैं वो भी बता देता हूँ। देखिए, मैं बता दे रहा हूँ वो भी। ये थोड़ा अलग है। ये अलग कैसे है? अभी देखो ध्यान से, इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें हर तो अलग अलग हैं, लेकिन जब हम इनके हर बराबर करेंगे, जैसे अभी अभी मैंने सवाल किया, तो उनके बीच में पांच संख्याएं मिल जाएं, ऐसा इसमें नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा इसमें भाई? देखो अभी समझते हैं, यहाँ समझो। सबसे पहले क्या करेंगे, इनके हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने के लिए दूसरी बारी भिन्न का जो हर है उससे क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो ये 10/15 हो जाएगा। वही प्रक्रिया इसमें भी करोगे, ऊपर वाली भिन्न के हर से इसमें ऊपर नीचे गुणा करोगे, तो बच्चों ये 12/15 हो जाएगा। ये आप सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर आप देखो, हमें 10/15 और 12/15 के बीच में पांच परिमेय संख्या निकालनी है, जो कि 10 और 12 के बीच में पांच संख्या संभव नहीं है। फिर क्या करोगे आप बच्चों, फिर क्या करोगे? अब इसका दो तरीका है। पहला आसान तरीका, कम समय में निकालने वाला, ये है कि आप इसमें ऊपर नीचे पाँच अगर निकालना है तो छः से गुणा कर दो, अगर छः संख्या निकालना है तो सात से गुणा कर दो, अगर दस संख्या निकालना है तो ग्यारह से गुणा कर दो। ये सबसे आसान तरीका और सबसे जल्दी उत्तर लाने वाला है। लेकिन इस तरह से करने पर आपकी किताबों के आंसर मैच नहीं खाते अक्सर, वो क्यों मैं बताऊँगा बाद में, पहले समझो। अगर आप किताबों का आंसर मैच कराना चाहते हो जो एनसीईआरटी में आपके सलूशन दिए गए हैं, तो उसका तरीका ये है कि आप इसे एक एक गिनती से ट्राई करो। पहले ऊपर नीचे इसे दो से गुणा करो, पहले ऊपर नीचे दो से गुणा करो बच्चों, तो ये हो जाएगा इतना आपका। इसे भी दो से गुणा करो, तो भाई साहब ये 24/30 हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे ये अनुमान लगाओ, क्या 20 और 24 के बीच में पांच संख्या संभव है? नहीं संभव है, यानी ये तरीका गलत है, दो से गुणा करके निकाला नहीं जा सकता है। तो आप कहोगे फिर क्या होगा? तो साथियों, इसके लिए फिर क्या होगा, करेक्ट आपको एकदम मतलब फिट वाला आंसर निकालना है, तो आपको क्या करना है, ट्राई करना है। अब दो से अगर नहीं सेट बैठ रहा है तो क्या करोगे, तीन से गुणा करोगे। ऐसे ऐसे आपको ट्राई करना है। तो बच्चों, जब इसमें हम तीन से गुणा करेंगे तो ये 36/15 = 45 आएगा, और यही प्रक्रिया तुम ऊपर वाले में भी करोगे। इसमें भी तीन से ही गुणा करोगे तो ये 30/45 आएगा। अब इसमें अगर आप देखो तो 30/45 और 36/45 के बीच में पाँच परिमेय संख्याएँ आराम से लिखी जा सकती हैं। बोलो लिखी जा सकती हैं कि नहीं? लिखी जा सकती है ना। तो अब आप नीचे क्या लिखोगे, अतः 30/45 व 36/45 के बीच पांच परिमेय संख्याएं इस प्रकार हैं। ये देखो 30/45 और ये 36/45, हमें इनके बीच में पांच परिमेय संख्याएं निकालनी है। हम बड़े ही प्यार से लिख सकते हैं बच्चों, 30 के बाद 31 आता है तो 31/45, 32/45 और ये आपका 33/45 एंड 34/45 एंड 35/45। इस तरह से तुम काउंट कर सकते हो। ये आपकी 5 रेशनल नंबर हो गई बिटवीन 2/3 एंड 4/5। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर जी क्वेश्चन तो अलग था भाई, इसको लगा दोगे, कोई गलत नहीं काटने वाला है। ये 30/45 का मतलब 2/3 ही हुआ, वही है ये। कैसे? इसका चेहरा अलग हो गया। जैसे आप देखे होंगे रैली वगैरह होती हमारे देश में, तो जो उनके भक्त जाते हैं कट्टर, उनका मुखौटा लगा के चले जाते हैं, उनका मतलब आप समझ गए ना मैं किसको बोल रहा हूँ। होली वगैरह होती, लोग शेर का मुखौटा लगा के होली खेलते हैं, तो इसका मतलब उनकी असलियत तो नहीं बदलती ना, वही रहते हैं ना, जो लगाते हैं वही रहते हैं। जैसे मैं चश्मा लगाया हूँ, चश्मा हटा दूँ तभी मेरी आँख तो वही रहेगी ना, बदलेगी तो नहीं ना। तो देखो समझो, वैसे ये वही है। कैसे? इनको काट दो ना तुम। क्या किया था मैंने? गुणा ही तो किया था। 15 से काट दो, 15 × 2 = 30, 15 × 3 = 45, फिर 2/3 आ गया भाई, वही है। ठीक है, समझ गए ना, अंतर समझा रहा हूँ मैं। तो ये 2/3 और 4/5 के बीच में ही मैंने संख्याएं निकालनी है, ये निकाला है। ठीक है, 9 से काटो, 9 = 36, 9 = 45,
ये 2/3 और 4/5 के बीच में ये संख्याएं निकली हैं। हाँ, एक चीज आप यहाँ पर और भी समझ लो, इनको आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, इनको और भी सरल कर सकते हो। जैसे 31/45 तो कटेगा नहीं किसी से, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से 35, 5 9 45, तो ये 7/9 हो जाएगा। चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, 7/9, 31/45, 32/45, ये सारे लिख सकते हो, ठीक है, उन्हें सरल कर सकते हो करना चाहो तो, नहीं तो वैसे भी लिख दोगे तो कोई भी गलत नहीं है। समझ गए ना ये तरीका? तो बच्चों इस तरह से आप कर सकते हो। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करेंगे तो हम उसे जरूर बताएंगे, लेकिन आप कमेंट करेंगे, व्हाट्सअप पे नहीं भेजेंगे। हाँ, अगर आपको मैथ नहीं आती है, आपकी उम्र ज़्यादा हो गई, आपका कंपटीशन नहीं निकल रहा है, या फिर आपके घर में आपके भैया भाभी मम्मी पापा कोई ऐसा है जो पढ़ रहा है लेकिन मैथ की वजह से उसका कुछ नहीं हो रहा, भला नहीं हो रहा है, तो उसे मैथ सिखाते हैं पूरी गारंटी के साथ मात्र 30 दिन में। जी हाँ बिल्कुल, इसके लिए हम कोई टैबलेट या कोई सिरप नहीं देते कि पी लो मैथ आने लगेगी, नहीं, उसके लिए हम उनको बड़े प्यार से सिस्टमेटिक ढंग से कोर्स देते हैं, मेहनत करके पढ़ना पड़ता है। तो जो मेहनत करना चाहता है और मैथ सीखना चाहता है वो हमारे यहाँ पढ़ सकता है, मात्र 30 दिन में पूरा बेसिक मैथ कंप्लीट कर सकता है, अच्छे से स्ट्रांग कर सकता है। नीचे नंबर चल रहा है व्हाट्सएप का, फ़ोन कॉल का, उस पर संपर्क करें और ज्वाइन कर लें। लेकिन ध्यान रहे, व्हाट्सएप नंबर सिर्फ क्लास ज्वाइन करने के लिए है जिसमें आपको पेमेंट करके कोर्स लेना है। बाकी अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए जिससे आप अगली क्लास में भी हमसे जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों, जय हिंद। अगर कोई भी सवाल रह गया आपके दिल में तो आप उसे कमेंट जरूर करना।